हेलो जी, तो कैसे हैं गाइस आप सब। तो ये है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा आया हूँ आप लोगों के सामने एक नए लुक के साथ। तो ऐसा है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि यार आप ट्यूटोरियल थोड़ा डिफरेंट बनाएं, बेसिक से बनाएं, तो किस तरह करें। तो ऐसा है कि मैंने ये नया स्टार्ट किया है कि मैं आप लोगों को बेसिक से लेके चलूँगा, और ऐसा होगा बेसिक से आपका कि आप लोगों को सैनोडी समझ में आ जाएगा। और उसमें हम सिर्फ सी फूडी कवर नहीं करेंगे, लोगों को मैं इंग्लिश में समझाऊँ, और ये काफ़ी ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में पढ़े होते हैं तो मुझे शायद इंग्लिश में बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। बाकी रही इस ट्यूटोरियल में जो हम करेंगे वो ये होगा कि हर ग्राफिक्स पे हम लोग काम करेंगे, और हर ग्राफिक्स की काम आपका ऐसा होगा कि हम कोई भी अपने 3D ऑब्जेक्ट में हम लोग किस तरह 2D ग्राफिक्स एज अ मैप लगाते हैं, और किस तरह हम उसको एनिमेट करेंगे, किस तरह इधर किस तरह उधर, यानी ओवरऑल चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और कवर के साथ आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन होगी, लेकिन फिलहाल हम इसको देखते हैं और आइए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और इसको कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको पूरी फाइल एक रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ये काफ़ी लोग कहते हैं कि हट ग्राफिक्स आप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह 3D पे लगाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स पे आप एज अ मैप यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इस चीज़ को लेते हुए चलूँगा और इसी तरह हम व्यू विंडो करेंगे, और असल में बेसिक से लेते हुए चलेंगे और फिर हम एक एडवांस पे आएंगे। थोड़ा सा उल्टा हो गया इस बार, लेकिन अब हम बेसिक से लेते हुए चलेंगे कि आप लोग को सही तरीके से समझ आ जाए। तो ऐसा है कि हम कुछ मॉडल करते हैं रैंडमली, एक रफ सा होगा, सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं ये क्यूब, ठीक है, हमने क्यूब लिया और एक कॉपी और लेते हैं, हमने एक कॉपी ली, इसी की और कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मटेरियल बना के दिखाऊंगा आपको कि हम किस तरह इस पे हर ग्राफिक्स लगाएंगे, ठीक है। और हम लगाते हैं इसमें एक और हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसका से थोड़ा सा हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एक और कॉपी लेते हैं और थोड़ा साइज और रैंडम कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसी की एक और कॉपी हम लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ले गए, और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम थोड़ा सा स्केल करेंगे, स्केल हो गया। और अच्छा जी, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। उसके बाद हम आएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स पे, और हम लेंगे ट्यूब, ठीक है जी, इधर आएंगे और सेगमेंट हम इसको फोल्ड कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा मैनुअली सेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यूं कर देते हैं, इसको हम ठीक है फ्लोर लगा देते हैं, स्केल कर देते हैं, ठीक है।
एक और कॉपी ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब हम इसी ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी लेंगे। इसे मैं आपको ग्राफिक बना के दिखा रहा हूँ कि हर ग्राफिक किस तरह मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये लिया मैंने और इसकी एक और कॉपी, इसको स्केल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया और इसको एक और कॉपी मैंने ले ली। ठीक है, और चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, बेहतरीन लग रहा है। इसी बात को समझाने का मकसद है मेरे, कि मैं आपको बस ये रिजल्ट कैसा आएगा इसका। अच्छा, इसकी हम एक और कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और कॉपी इसकी ले ली। और अब हम इस पर लगाते हैं शेडर्स। ठीक है, शेडर्स लगाने के बाद हम इसमें लेंगे हार्ड लॉक। तो उसमें से पहले हम मटेरियल बना लेते हैं। दबा क्लिक किया, सॉरी यहाँ से बना लॉक क्रिएट, और हम इधर आएंगे न्यू मटेरियल पे। डबल क्लिक किया मैंने और सही है का इसको हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे ल्यूमिनेंस करते हैं ग्रेडियंट, और इसको हम करते हैं बॉक्स या फेयर कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फील आ रही है। अच्छा जी, तो इसको हम ये करते हैं कॉपी लेते हैं। इसको हम करेंगे गेट ओइन। ठीक है, इसको हम करेंगे गेम। ठीक है, स्काई पे आएंगे, HDRI लगाएंगे कि इधर आएंगे ट्रांसपेरेंसी पे और ग्लास करेंगे। ठीक है, हमारे पास फील आ गया और एंटी अलियासिंग बेस्ट रखेंगे। बस क्या फील आ रही देखते हैं। तो ये फील हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसको हम ऑन करेंगे, टाइप फील है। वाइट रखते हैं, इसको हम ले जाते हैं ग्रीन की तरफ। अब चेक करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया ग्रीन। इसी शेडर की हम कॉपी लेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे। उसको हम सेंटर ऑफ द टैग पाएंगे, कंपोजिट के टैग और सीमा कैमरे से चेक कर देंगे कि हमारे पास बैकग्राउंड में डिस्टर्ब ना करे। और इसी तरह अभी तो बहुत बुरा लग रहा होगा लोगों को, क्योंकि काम काफ़ी है। और यही करते हुए अब हम क्या करेंगे इसको कि
करके एक और इसकी कॉपी लेंगे कंट्रोल के साथ, इस पर टैगिंग क्रॉप, और इसका कलर हम कुछ ऐसा रखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जी। तो अब देखते हैं हम इसके आ रहा है, देखिए ये बेहतरीन जो ग्लास आ रहा है, और क्रिएट न्यू मटेरियल इधर आएंगे, और इसको हम ग्लो के लिए हम इसको लुमिनेंस में रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब है बात हार्ड ग्राफिक्स की, हम इस पे हार्ड ग्राफिक्स किस तरीके से लगाएंगे। तो ऐसा है कि हम फोटोशॉप पे हार्ड ग्राफिक्स को बकायदा क्रिएट करेंगे। तो अब हमारे फोटोशॉप पे न्यू पर आएंगे, और हमारा साइज रैंडम हमने साइज ले लिया। अब इस पर हम बनाएंगे अपनी हार्ड ग्राफिक्स। इसके लिए हम करेंगे, हम आएंगे अपने पेन टूल पे, ठीक है जी, इधर आएंगे, इसकी बात हुआ है, सबसे पहले हम इसको शेप पे कन्वर्ट करेंगे। शेप पे कन्वर्ट करने के बाद हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, और फिल को हम ब्लैंक करेंगे, और स्ट्रोक हम ये कलर रख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया, हम लेते हैं रेड कलर की विजिबिलिटी हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये आ गया, और इसी की हम कॉपी लेंगे, और इसकी स्ट्रोक की विड्थ हम बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एरो से मैं सेट करूंगा रैंडमली, और इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, और इसके बाद हम इसकी एक और कॉपी लेंगे, ठीक है, करेंगे। देखिए हार्ड ग्राफिक्स एक आपको बताने का एक एग्जाम्पल है कि किस तरह बनती है, और अभी मैं फोटोशॉप पर बताता हूँ मैं किस तरह बनाता हूँ, तो इसको हेल्प मिल जाएगी, और अपने आप ही डिज़ाइन करके लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और इसकी हम थोड़ी सी इसको कम करेंगे, ठीक है, और इसे ही हम कॉपी लेंगे, ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा रैंडम रखना, क्योंकि ये आप आफ्टर इफेक्ट्स पे अलग अलग लेयर लेके जाएंगे तो एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, इसको हम और कर लेते हैं, इसको कम करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक और हमारे पास शेप आ गया, एक और शेप ले लेते हैं, ठीक है। और वैसे इलस्ट्रेटर भी बन जाती है, काफ़ी शेप्स मिल जाते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं।
तो मैं जिस तरह करता हूँ मैं आपको एविडेंस बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें वैसे होती है इलस्ट्रेटर से लेते आता हूँ मैं। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं और अब हम थोड़ा सा रैंडम हमने बनाया, इसको हम ब्लैंक करेंगे और स्ट्रोक हम देंगे डॉट पर। ये बस एक शेप बना रहा हूँ मैं कि आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए ये इस तरह आप बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ शेप का एक एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ है आपके पास, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, मतलब जो आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं और रेफरेंस रख सकते हैं, रेफरेंस के जरिए आप रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हुआ आपने, इसको आप मैं कर देता हूँ क्रॉप। ठीक है, अब हम आ गए अपने दोबारा ये 340 पे और देखते हैं कि क्या बन सकता है। दोबारा हम मटेरियल लेंगे, यहाँ पर आया रिफ्लेक्शन, ये कलर हम थोड़े ग्रे की तरफ जाएंगे, रिफ्लेक्शन पे आएंगे और रिफ्लेक्शन लेगेसी। ठीक है, हमने थोड़ा सा रफनेस बढ़ा दी रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए कि किस तरह आ रही है। ठीक है, इसकी और हम रिफ्लेक्शन लेंगे। ठीक है, और लाइट पर आएंगे, लाइट पर आएंगे, डिटेल्स पे मैं आऊँगा, फॉल ऑफ पे हम इसको इन्वर्स करेंगे और इन्वर्स में आपको दिखाता हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये वो चीज़ें जो मैं अपने मतलब के हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, इधर आऊँगा और इधर मैं रिव्यू कर देता हूँ। इसकी एक बार कंट्रोल होल्ड करके कॉपी लेंगे, यहाँ पे हम एक और डालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है और थोड़ा ग्लो करने के लिए हम इधर आएंगे और स्केल कम करके ग्रीन पे ही लेके जाते हैं, इसका इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसकी और अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए स्पॉट बताता हूँ, ठीक है हमारे पास, तो हम इसके थोड़ा सा खेलेंगे और अब क्या है हमारे पास, हमारे पास ये बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। इधर आएंगे एनिमेशन पे, ठीक है, इसके साथ सेटिंग चेक करते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है और क्या रिजल्ट आया हम इसको देखते हैं। देखिए जी आई के साथ हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है।
इतना कोई फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा लाइट बैलेंसिंग अच्छी हो गई इससे। लेकिन हम जी आई ए भी करेंगे, चेक करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल बाद में बताऊँगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, हम लेंगे देखिए फोटोशॉप में मैंने आपको बताया कि इस तरह बनेगा। तो हम उठाएंगे अपना हर ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम ले जाते हैं, अच्छा देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हर ग्राफिक्स बिल्कुल अजीब ही आ रहा होता है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें जुगाड़ ये होती है कि फोटोशॉप पे काम करते हैं, अदरवाइज हम इधर आएंगे और लेयर्स लेयर पर आएंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट और ट्रांसफॉर्म, इसको आप 90 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा और वो सब करेंगे। इसकी हम टैलिंग बंद करेंगे, खैर देखते हैं इसको क्या बंद आ रहा है। अच्छा फिलहाल ये हमारे पास हमारा ये टेक्सचर आ गया, फिर इधर आएंगे। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि मैं वैसे अल्फ़ा लेके नहीं जाता, लेकिन वो करके दिखाता हूँ कि कॉपी शेडर या अल्फ़ा में चेक लगाएंगे और यहाँ हम पेस्ट शेडर कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया, तो देखिए इस तरह आ रहा होता है। लेकिन ना इस तरह लेके ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उतना समझ में नहीं आ रहा होता। तो इस तरह आपने हर ग्राफिक्स लगा दिए और इसी तरीके से आप मैं इसके एक और कॉपी ले गया और स्केल कर दिया मैंने इसको, ये एक और कॉपी मेरे पास आ गई है, ठीक है। ये मेरे पास मेरी हर ग्राफिक्स तैयार है बिल्कुल। मैं दे रहा हूँ मैं इसको भी मैं हर ग्राफिक्स बना दिया, और जो ब्लैक है मैं आपको भी आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरह जैसे कि मैं इसको कंपोजिट कर देंगे। बेसिक बता रहा हूँ आपको, इस तरह ऐसा ऐसा लेके चलेंगे। अब ये है कि ये हमारे पास ये इस तरह हर ग्राफिक्स आएंगे और मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ले आके मोड ब्लेंडिंग मोड में रख के मैं चेंज कर देता हूँ। तो फिलहाल ये आज के लिए इतना ही था, और ये है कि बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ शेप्स के बारे में और किस तरह जिस तरह शेप्स में लगाना चाहे, और ये है कि कैमरे के बारे में आपको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा। लेकिन हम कैमरा सेट कर ही देते हैं, ये देखें तो कैमरे से भी थोड़ा सा लुक आ जाएगा। हमारे पास फिट करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, चेक करते हैं। देखिए मैंने ट्रांसपेरेंसी का कलर चेंज कर दिया कि भैया मेरे पास मुझे मैच करना है, तो ये चीज मेरे पास आ रही है। तो कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो यही है कि अगर मैं इसमें चीज़ें ऐड करता रहूँगा तो देखिए ये और खूबसूरत बनता रहेगा। देखिए अब इसमें एजेस आप चेक करिएगा तो ज़बरदस्त आएंगे। तो गाइस
आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था, और लोग जो कमेंट करेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट आते रहते हैं, लेकिन ये कि मैं आप लोग को बेसिक से लेते हुए चल रहा हूँ, मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि मैं ग्राफिक्स किस तरह पेस्ट और किस तरह एनिमेशन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं करूँगा, लेकिन ये बेसिक लेते हुए मैं चलूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोग को कुछ बेहतरीन, कुछ नहीं, काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।